हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्रसाद पुलियारा। ये आपको आंध्रा में हर टेंपल में एज ए प्रसाद मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पुलियारा के लिए मैंने 500 ग्राम चावल पका के ले लिए हैं और 50 ग्राम इमली को मैंने धो के गैस पे बॉईल करने के लिए रखा है। बॉईल हो गई है इमली, अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इमली को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इमली ठंडी हो गई है, अभी हम इसे स्मैश करके इसमें से पानी निकाल देंगे। हमें पूरा इमली का पानी छान लेना है। हम पूरा पानी छान लेते हैं धीरे धीरे करके। हमने पूरा पानी अच्छे से छान लिया है और हमने लाल सूखी मिर्च ली है, काली मिरी, सूखी मेथी, थोड़ी उड़द दाल, सूखा धनिया और करी पत्ता लिए है। मैंने छोटी सी कढ़ाई गैस पे गरम करने रखी है, उसमें करी पत्ता थोड़ा सेक लेती हूँ। थोड़ा सा गरम करना है उसे, तेल नहीं डालना, ऐसे ही हम थोड़ा गरम कर लेते हैं। करी पत्ता थोड़ा सा क्रश करके चावल में ऐड कर लेते हैं, इससे अच्छा स्वाद आता है। अभी हम बाकी चीजें भी सेक लेंगे थोड़ी थोड़ी, उसका हमें पाउडर बनाना है। थोड़ा हम सेक लेते हैं इसे, थोड़ा लाल बनाना है इन सभी चीजों को। मिक्स करते रहना है वरना दाल नीचे जल जाएगी। अभी हम इसका पाउडर बना देंगे। मिक्सर में ले लिया है मैंने और इसे पीस लेते हैं। पाउडर तैयार है, अभी हम इसे चावल में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। गैस पे पैन रखा है और उसमें 4 बड़े चम्मच हमें तेल डालना है। चावल ज्यादा है इसलिए हम तेल भी ज्यादा ले रहे हैं और गैस को फास्ट ही रखते हैं, तेल गर्म होने देते हैं। अभी चावल को तड़का देने के सामान देखते हैं। मैंने थोड़ी उड़द दाल ली है, चना दाल, मूंगफली, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता लिए है और 10-12 हरी मिर्च लिए, उसको एक साइड से हम कट कर देते हैं इस तरह से। हमने सारी हरी मिर्च को एक साइड से कट कर लिया है। तेल गरम हो गया है, अभी हम इसमें लाल सूखी मिर्च ऐड कर लेते हैं और राई जीरा डाल देते हैं। तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। अभी एक एक करके दाल ऐड करेंगे और दाल को हमें लाल होने देना है। कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। कलर चेंज हो गया है थोड़ा, अभी हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं और करी पत्ता और हरी मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। इन सभी चीजों को मिला लेंगे। अभी हम इसमें इमली का पानी ऐड कर लेते हैं और इसे उबलने देते हैं अच्छे से। गैस को हम फास्ट ही रखते हैं और इसमें एक चम्मच हल्दी डालते हैं। चावल की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए एक चम्मच डाला है। आप चावल कम ले रहे हैं तो कम हल्दी डालिए और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लिया है हमने। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है।
अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। पानी को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चावल में डालेंगे। पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी हम इसे चावल में ऐड कर लेते हैं और चावल के अंदर मिक्स कर देते हैं। ये देखिए चावल हमने मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छा कलर आया इसका। अभी हम इसे 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि इमली का पानी चावल में अच्छे से चले जाए। 10 मिनट हो गई है, अभी हम चावल अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं एक बार और ये चावल बनके तैयार है। हमारे प्रसाद पुली होरा एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।